हे गाइस, अभी देखो भाई, मैं आ गया हूँ बड़ोली गांव में पिंटू के पास। ये देखिए पिंटू, और ये है नोनू व्लॉग्स। हेलो नोनू। ये अब आपको दिखाएंगे हम अपना सफर, आज कहाँ जाते हैं भाई। तो कुछ चीज़ें दिखाएंगे आज नए व्लॉग में। आपका जो है हार्दिक स्वागत है भाई। सो गाइस, हम आ गए हैं हाईवे पे, देखिए बड़ोली गांव से। आज हम आपको पूरा सफ़र दिखाएंगे। ये देखिएगा भाई, ये है स्कूल बड़ोली गांव में, माउंट पिथौरा जी स्कूल है। इसको हमने पार कर लिया है, तो आगे बढ़ते हैं। ये देखिए हाईवे का नज़ारा है भाई। मेरे साथ पिंटू है और साथ में है पिंटू का लड़का जो कि है नोनू। चलिए भाई, तो ये हाईवे का नज़ारा है भाई, और बड़ोली गांव से अब हम आ गए हैं बड़ौत में। ये देखिए बड़ौत में है, ये है पीएन शर्मा पार्क। आई लव बड़ौत यहाँ पे लिखा हुआ है। ये पीएन शर्मा पार्क है भाई, तिरंगा का झंडा लहरा रहा है। तो आपको बड़ौत का नज़ारा दिखा रहे हैं। ये देखिए यह है पेट्रोल पंप भाई, दिल्ली बस स्टैंड पे। और हम दिल्ली बस स्टैंड पे आ गए हैं अभी। थोड़ा आपको चलो मार्केट की तरफ भी लेके चलते हैं, जो बड़ौत का मेन मार्केट है। चलिए थोड़ा सा आपको मार्केट भी दिखा देते हैं। चलिए राइट साइड हम अभी जो मार्केट आपको दिखाई दे रहा है, ये है राइट साइड। ये देखिए ये है भाई बड़ौत का मेन मार्केट। तो देखिए यहाँ का क्या है सीन, तो भाई मार्केट का भी काफी अच्छा नज़ारा लगता है देखने में। ये देख सकते हो कितनी चहल पहल है बड़ौत के मार्केट में। तो चलिए दोस्तों, अब हम वापस चलते हैं भाई हाईवे पे, और आपको हाईवे का दिखाते हैं नज़ारा। ये देखिए, चलिए छपरौली चुंगी की तरफ अब हम बढ़ रहे हैं दिल्ली अड्डे से। दोस्तों बड़ौत का कितना अच्छा लग रहा है भाई, लुक बहुत ही अच्छा लग रहा है बड़ौत का ये नज़ारा। चलिए अब हम छपरौली की तरफ भाई मुड़ गए हैं, तो आपको कुछ और नई जगह दिखाएंगे आज हम। तो हम छपरौली रोड पे अभी इस समय मौजूद हैं, और आपको कुछ कुछ नई चीज़ें दिखा रहे हैं भाई। आज हम रास्ते का सफ़र का एंजॉय कर रहे हैं, तो आज आपको आपको हम ये दिखाने वाले हैं कि हम कहाँ जाएंगे आज घूमने के लिए, निकल पड़े हैं। तो देखिए भाई रास्ता कितना है अच्छा। ये है सिनोली गांव, और ये पीछे जो देख रहे हो मेरे साथ आज अंकित है भाई, और ये है हम पीछे इंटर कॉलेज दिखाई दे रहा है सिनोली गांव का। और हम जा रहे हैं आज घूमने शेरपुर लोहारा आदर्श बंगला। ये गेट लगा हुआ है जो कि शेरपुर लोहारा जाता है। ये साथ अंकित है, पिंटू है और नोनू है। अभी पहुंच गए हम शेरपुर लोहारा। ये गांव शेरपुर लोहारा है। चलिए भाई शेरपुर लोहारा से अब हम निकल गए हैं आगे, और अगला गांव भी दिखाते हैं आपको। अगला गांव कौन सा है, खेतों के रास्ते जा रहे हैं, तो भाई बड़ा अच्छा लग रहा है। देखो दोनों साइड में हरे भरे खेत हैं, और गेहूं में भी कुछ जगह कटाइयां लग गई है। ये देखिए, और ये कितना सुंदर बाग है भाई, ये देख सकते हो आप, कितना शानदार बाग है भाई, बहुत सुंदर लग रहा है। इसमें आम के, केले के, बहुत सारे अलग अलग तरह के फ्रूट्स के पेड़ हैं भाई। बहुत ही अच्छा जी बगीचा है, ये देखिए क्या शानदार है भाई। बहुत अच्छा लगा बाग को देखकर। अब हम सिलाना गांव में आ गए हैं। देखिए गाइस, ये है सिलाना गांव, बागपत डिस्ट्रिक्ट में ही। तो यानी कि हम जो है सिनोली से शेरपुर लोहारा सिलाना
ये रास्ता जो कि रठोड़ा चला जाता है, तो उस रास्ते पे हैं हम। तो ये सिलाना गांव है भाई, ये देख लीजिएगा आप। और सिलाना गांव में ये चोपला जो है, ये बहुत बड़ा चोपला है भाई, बहुत शानदार लगा ये हमें देखकर। फिर यहां से हमने कुछ रास्ता पूछा, तो काफी बड़ा गांव है भाई, देखो सिलाना। इसमें से निकलने के लिए हमें कई जगह पे रास्ता पूछना पड़ा भाई, हमें गांव से बाहर निकलना है। काफी बड़ा गांव है, देखिए कितनी देर से हम सिलाना गांव में ही है, अब जाके फाइनली हमें बाहर का रास्ता मिला है भाई। सिलाने गांव में आके हमने काटे गेहूं, ये हमारे नेताजी थे, इन्हें कहते आज गेहूं काटने को मन कर रहा अंकित का, तो भाई गेहूं काट लिया अंकित ने। अब तो गाइस आज हमने सफर को एंजॉय किया, तो आपको वीडियो कैसी लगी, रास्ता कैसा लगा आपको, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर देना। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सो गाइस थैंक यू सो मच।